राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भू कानून को लेकर 5 सदस्यों की प्रारूप समिति बनाई है। बता दें कि इस प्रारूप समिति की बनाने से प्रदेश में बेहतर तरीके से भू कानून को लागू करने में मदद मिल सकेगी। इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रदेश के हित में उत्तराखंड सरकार फैसला लेते आई है। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने प्रदेश में पहले भी प्रदेश के हित में सख्त कानून बनाया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भी औद्योगिकरण के साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार कार्य कर रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। निश्चित रूप से प्रदेश के हित में जो उचित होगा उसके संबंध में सरकार निर्णय लेगी। पहले भी हमारी सरकार ने, जब आदरणीय मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी प्रदेश के हित में एक सख्त भू कानून बनाया था। और वर्तमान समय में भी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उत्तराखंड के में औद्योगिकीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, रिजॉर्ट हैं, पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये कुछ चीज़ों के साथ में छूट देने के अलावा, उनको प्रोत्साहन देने के साथ साथ जो लैंड जिहाद के नाम पर जो इस प्रकार के तत्व उत्तराखंड के अंदर घुस रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर रोक लगाने का प्रयास करेगी। और जो जो चीज़ें उत्तराखंड के हित में होंगी, प्रदेश के हित में होंगी, वो चीज़ें यहाँ के लिए लागू की जाएंगी।